क्रिटिक्स का क्रिटिक। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि चुप मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है, और साथ ही साथ चुप मूवी अपने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पांस दिखा रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पर नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पर बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताया चले कि चुप मूवी, जिस मूवी में आप लोगों को जोरदार और दमदार सनी देओल नजर आए हैं, उस मूवी को 23 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। आप लोगों बता दें कि इस मूवी ने 23 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में ऑडियंस का दिल भी जीता और ऑडियंस ने इस फिल्म को प्यार भी दिखाया। आप लोगों को बताया चले कि चुप मूवी जो कि सनी देओल इसमें बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार लुक में नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को इस फिल्म में पूजा भट्ट जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद पर्दे पर नजर आई हैं, वो भी सनी देओल के साथ। आप लोगों को बताया चले कि सनी देओल जो कि 90 के दशक के जो कि मास महाराजा माने जाते थे, यानी कि इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट जाती थी, और वहीं दोस्तों जो कि इनकी फिल्मों का बोलबाला जो कि बॉलीवुड में सबसे ऊपर था, क्योंकि सनी देओल की एक्टिंग में बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से दम था, और सनी देओल को ऑडियंस देखना भी पसंद करती थी क्योंकि उनकी हर एक फिल्म में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। और वहीं सनी देओल अपनी हर एक फिल्म में जो कि एक्टिंग के मामले में सारे हीरो को पीछे छोड़ देते थे। आप लोगों को बताया चले कि अब 2022 में भी जो कि सनी देओल ने चुप मूवी में ऐसा ही कुछ कर दिखाया है और ऑडियंस के दिलों में घर बना लिया है, और चुप मूवी आज के दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे कलेक्शन कर रही है और बड़ी बड़ी मूवियों के रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। आप लोग बताइए चले कि इस फिल्म में आप लोगों को श्रेया धन्वंतरी, दुलकर सलमान भी नजर आए हैं। श्रेया धन्वंतरी और दुलकर सलमान की भी एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी है ऑडियंस ने। हालांकि श्रेया धन्वंतरी की ये पहली ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में वो नजर आ रही हैं, अभी तक उन्होंने वेब सीरीजें ही करी हैं। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि दुलकर सलमान तमिल साउथ में बहुत ही पॉपुलर हैं, इनको लोग देखना पसंद करते हैं, और इनकी मूवियाँ जो कि ब्लॉकबस्टर भी होती हैं तमिल में। वैसे में चुप मूवी में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है और ऑडियंस ने जिस तरीके से जो कि दुलकर सलमान की तारीफ करी है, अभी तक की साउथ के जो कि अल्लू अर्जुन, प्रभास और दोस्तों जैसे कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से महेश बाबू के एक्टिंग की तारीफ होती है, वैसे ही जो कि अब जो कि दुलकर सलमान की भी हिंदी ऑडियंस बहुत ही अच्छी खासी तारीफ करने लगी है। इसी कारण चुप मूवी का क्रेज बस और भी बना हुआ है। आप लोगों को बताया चले कि आर बाल्की ने बहुत ही लंबे समय के बाद कोई सी ऐसी जोरदार मूवी दी है जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं, और आर बाल्की की बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी करी है। आप लोगों को बताया चले कि आर बाल्की ने अपने हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से जो कि ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ इस फिल्म के बजट की बात करें तो यह फिल्म का बजट कोई अच्छा खासा भारी भरकम वाला नहीं है, लेकिन बहुत ही एवरेज बजट है, और इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन भी कर लिया। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए है, और वहीं दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आप लोग बताइए चले कि चुप मूवी ने अपने पहले ही दिन जोरदार और धमाकेदार तरीके से ओपनिंग ली। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो चुप मूवी ने अपने दूसरे दिन 1,70,00,000 रुपए का कारोबार किया। आप लोग बता दें कि इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया और सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। वहीं चौथे दिन की बात करें तो इस फिल्म ने चौथे दिन 85,00,000 रुपए का कारोबार किया। आप लोग बताइए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी ने जो कि अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है, और आज के दिन भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रही है और जोरदार तरीके से कलेक्शन भी कर रही है। आप लोगों को बताया चले कि चुप मूवी ने जो कि अपने आज के दिन जोरदार और धमाकेदार तरीके से 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों ने सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी देखी है तो आप लोगों को सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।